हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एडिटिंग बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देर इज़ वन एरर। यहाँ पे एक एरर है, गलती है इन ईच लाइन में। अगेंस्ट विच ए ब्लैंक इज गिवन, राइट द इनकरेक्ट वर्ड। आपको इनकरेक्ट वर्ड लिखना है, यानी ढूंढना है गलत वर्ड, एंड द करेक्शन, और फिर करेक्शन भी करना है उसको, उसकी जगह पे जो सही आएगा वो भी लिखना है इन योर आंसर शीट में, एज गिवन बिलो। अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, रिमेंबर टू अंडरलाइन द वर्ड दैट यू हैव सप्लाइड। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। तो जब भी आपको एडिटिंग के लिए पैराग्राफ मिलेगा, तो आपको उस पैराग्राफ को पहले समझना है कि वो पैराग्राफ जो है वो पास्ट में चल रहा है या प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में चल रहा है। अगर पास्ट में चल रहा होगा तो सारे रूल पास्ट के होने चाहिए उस पैराग्राफ के अंदर। अगर प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट के सारे रूल होने चाहिए, और फ्यूचर है तो फ्यूचर के रूल होने चाहिए। तो अब वैसे देखो, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट है, यहाँ पे लुक्ड है, यहाँ पे वर्कड है, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है कि ये जो है पैराग्राफ पास्ट में चल रहा है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए पढ़ करके। तो देखो लिखा हुआ है, मधु ने लॉस्ट किया, खो दिया हर फादर, अपने पिता को, व्हेन जब शी इज स्टिल, जब वह अब भी एक बच्ची है। तो जाहिर सी बात है, मधु ने जब खो दिया अपने पिता को, तो आज तो खोया नहीं होगा, पहले ही खोया होगा। तो इस लाइन से हमें कहीं ना कहीं पता लग रहा है ये पास्ट में चल रहा है। तो देखो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट है, पर यहाँ पे देखो इज लिखा हुआ है, यानी इज तो प्रेजेंट होता है। तो जब ये पास्ट है तो ये भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो इसकी जगह क्या आएगा, वॉज। तो यहाँ इस दिखाओगे, यहाँ पे उसकी जगह पे जो आपने सही किया वॉज वो दिखाओगे, ठीक है। फिर लिखा है, हर अंकल, उसके जो चाचा थे, लुक्ड यानी देखते थे, एट यानी पर, ऑल दी प्रॉपर्टी पर देखते थे, सारी संपत्ति पर देखते थे या सारी संपत्ति में देखते थे। तो ये जो एट जो है, पर या में, इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि कुछ सेंस नहीं बन रहा। तो वो संपत्ति पर नहीं देखते थे, न संपत्ति में देखते थे, बल्कि होना ये चाहिए कि हर अंकल, उसके अंकल, लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर, अगर आप यहाँ आफ्टर लिख देंगे एट की जगह, तो लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, संभालना। तो यही सेंस बनेगा कि उसके अंकल लुक्ड आफ्टर यानी संभालते थे ऑल दी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी, दैट यानी जो शी इनहेरिट, जो इनहेरिट, जो उत्तराधिकार में मिलती है फ्रॉम हर फादर, उसके पिता से। तो भाई ये देखो सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं पता लग रहा है ये पास्ट में चल रहा है। बट इनहेरिट क्या है, प्रेजेंट है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब ये पूरा पैराग्राफ पास्ट में चल रहा है तो ये भी पास्ट होना चाहिए, तो इनहेरिट की जगह इनहेरिटेड हो जाएगा। तो यहाँ आप इनहेरिट लिखोगे और यहाँ पे इनहेरिटेड लिख दोगे, और यहाँ मैंने बताया एट की जगह आफ्टर आएगा, तो यहाँ एट आएगा और यहाँ पे आफ्टर आएगा। आगे है, सिंस ए फ्यू ईयर्स, मतलब कुछ सालों से या कुछ सालों तक, हर अंकल, उसके चाचा ने वर्कड किया, काम किया, वेरी सिंसियरली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ढंग से। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है फ्यू ईयर्स, फ्यू ईयर्स का मतलब होता है कुछ साल। तो ये जो सिंस वर्ड है, ये हमेशा सर्टेन टाइम के लिए आता है, ना कि अनसर्टेन टाइम के लिए। तो ये फ्यू ईयर्स से कहीं पे भी नहीं ये पता लग रहा कि ये निश्चित समय है, क्योंकि लिखा हुआ है कुछ साल। तो कुछ साल तो कुछ कितने भी साल हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 7 साल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए सिंस नहीं आएगा, इसकी जगह पे फोर आएगा, क्योंकि फोर जो है अनिश्चित समय के लिए आता है, और सिंस जो है निश्चित समय के लिए आता है। तो ये सिंस गलत है, तो यहाँ सिंस दिखाएंगे और यहाँ पे फोर दिखाएंगे। फिर लिखा हुआ है, आफ्टर वर्ड्स, उसके बाद ही थिंक्स, वह सोचता है दिस। अब देखो ये पूरा पैराग्राफ पास्ट में चल रहा है, बट थिंग्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी पास्ट होना चाहिए। तो थिंग्स की जगह क्या आएगा, थॉट आएगा। तो यहाँ लिखेंगे थिंग्स और यहाँ पे लिखेंगे थॉट। फिर आगे है, दिस प्रॉपर्टी शुड मेक, शुड आ गया चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, कि यह जो प्रॉपर्टी है, मेक मतलब बनानी चाहिए, मी मुझे, रिच मुझे, अमीर बनानी चाहिए। देखो कुछ सेंस नहीं बन रहा इसका, कोई भी अर्थ जो है, मीनिंग है, वो सही नहीं बन रहा, सेंस नहीं आ रहा कुछ। तो शुड की जगह हम अगर कैन कर दें तो ये हो जाएगा कि उसके बाद उसने सोचा, दिस प्रॉपर्टी कैन मेक मी रिच, मुझे अमीर बना सकती है। तो यहाँ पे शुड की जगह कैन आएगा, तो यहाँ शुड जो गलत है और यहाँ पे कैन आएगा, तो शुड यहाँ लिखेंगे, कैन यहाँ लिखेंगे। वैसे वुड भी आ सकता है कि उसके बाद उसने सोचा, दिस प्रॉपर्टी वुड मेक मी रिच, वो मुझे अमीर बना देगी, ठीक है। तो आप कैन लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं,
आगे है, द ताजमहल वॉज बिल्ड बाई शाहजहां। तो भाई ताजमहल को बिल्ड किया गया, बनाया गया बाई शाहजहां द्वारा इन मेमोरी यानी याद में ऑफ हर वाइफ, उसकी पत्नी की याद में। तो भाई बिल्ड किया गया है शाहजहां द्वारा किया गया है, तो पहले ही किया गया है, बहुत पहले बना था ताजमहल, तो यानी ये पास्ट में है, यानी ये पूरा पैराग्राफ पास्ट में चल रहा है। तो ये बाई शाहजहां द्वारा बनाया गया है, तो ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बट ये बिल्ड जो है ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए बिल्ड की जगह यहाँ पे बिल्ट आएगा, यानी इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो बिल्ड यहाँ दिखाएंगे और उसका जो गलत बिल्ड जो गलत वर्ड है और उसका सही वर्ड होगा बिल्ट, तो बिल्ड की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत है, तो यहाँ बिल्ट आएगा और यहाँ पे बिल्ड आएगा ये गलत वाला। इन मेमोरी यानी याद में ऑफ हर वाइफ, उसकी पत्नी की याद में। अब शाहजहां तो लड़का है तो उसकी वाइफ, तो वो तो लड़का है तो उसकी, हर तो लड़की के लिए आता है, लड़के के लिए क्या आता है हिज, तो यहाँ पे हर की जगह हिज आएगा, तो ये हर गलत है, यहाँ पे हिज आएगा, तो यहाँ हर दिखाएंगे और यहाँ पे हिज दिखाएंगे। आगे है कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, बिगेन यानी शुरू हुआ इन 1632 में, एंड वॉज कम्प्लीट और ख़त्म होता है इन 1563 में। तो ये गलत सन लिख दिया गया है, प्रिंट गलत हुआ है, 1632 में तो जब शुरू हुआ है तो ख़त्म कुछ और आगे हुआ होगा, बट खैर उससे कोई बात नहीं है। बिगेन देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट है, पर ये देखो कम्प्लीट ये तो प्रेजेंट है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे कम्प्लीटेड होगा, तो यहाँ कम्प्लीट गलत है और कम्प्लीटेड यहाँ पे लिखेंगे। द आर्किटेक्ट जिन्होंने ताजमहल को डिज़ाइन किया था वॉज ईशा खान थे, हु कम्स जो कि आते हैं फ्रॉम शिराज से। द, अब आप देखो यहाँ वॉज पास्ट है तो, बट कम्स जो है वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ कम्स की जगह केम आएगा, तो हम कम्स इसमें गलत है, तो यहाँ लिखेंगे कम्स और यहाँ पे लिखेंगे केम। द ब्यूटी यानी सुंदरता ऑफ द मार्बल डोम, मार्बल डोम यानी पत्थर के जो गुंबद होते हैं, माइनरेट जो मीनार हैं, आर नोन, उनको जाना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में जाना जाता है, किसको, पत्थर की और मीनार की सुंदरता को। तो सुंदरता तो एक ही होती है, ऐसा थोड़ी कि ताजमहल की सुंदरताएं, सुंदरता तो एक ही होती है, सुंदरताएं बहुत सारी तो होती नहीं है, तो इसलिए ये जो आर है ये गलत है, तो यहाँ पे इज आना चाहिए इसी वजह से, क्योंकि ताजमहल तो आज भी है, तो उसके पत्थर आज भी हैं, उसकी मीनार आज भी है, तो भाई ये सेंस तो प्रेजेंट वाला सेंस दे रहा है कि उसकी सुंदरता जो है वो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है या उसको जाना जाता है, तो आर की जगह इज आएगा, तो यहाँ आर दिखाएंगे, यहाँ पे इज दिखाएंगे। आगे लिखा है नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल विजिटर्स आर इम्प्रेस, तो ये आर इम्प्रेस्ड होगा, ये गलत है इम्प्रेस, तो यहाँ इम्प्रेस दिखाएंगे और यहाँ पे इम्प्रेस्ड दिखाएंगे। बाय द ड्रीम लाइक ब्यूटीफुल ऑफ ताज, बाय द ड्रीम लाइक ब्यूटीफुल ऑफ ताज, तो ताज ब्यूटीफुल नहीं, ताज की ब्यूटी से इम्प्रेस होते हैं, जो जितने भी विजिटर्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं, इम्प्रेस होते हैं बाय द ड्रीम लाइक ब्यूटीफुल ऑफ ताज से प्रभावित नहीं होते, खुश नहीं होते, ब्यूटी से होते हैं, तो ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटी आएगा, तो ब्यूटीफुल गलत है, यहाँ लिखेंगे ब्यूटीफुल और यहाँ लिखेंगे ब्यूटी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।